पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। यात्रा करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी यात्रा करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान रहना चाहिए। और जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे, अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव की घड़ी बहुत नज़दीक है, 2024 में ही चुनाव है और वहां चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा में पेच फंसा हुआ है, सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। और इस मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस सीट बंटवारे को लेकर शीर्ष नेतृत्व भाजपा के साथ बातचीत चल रही है और एनडीए के नेतृत्व में ही जदयू चुनाव लड़ेगी। बड़ा खुलासा करते नजर आए लेसी सिंह। तो वहीं तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा पर बड़ा बयान दे दी है, क्या कुछ कहा है पहले आप ये सुनिए। अभी साइलेंट साइलेंट की यात्रा करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी यात्रा करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान रहना चाहिए। और जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे, अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। जब बिहार में बाढ़ आई, कोई आपदा आती है तो विपक्ष के नेता फरार रहते हैं, बाहर देश से भी बाहर रहते हैं। तो उन लोगों का तो एक ही मकसद है कि अपने लोगों से, अपने परिवार से में सीमित रहना, वही कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी हिंदुओं कर रहे हैं क्षेत्रों में, देखिए बिहार में सामाजिक सौहार्द बरकरार है, पहले से भी बरकरार है 19 वर्षों में और आगे भी बरकरार रहेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, देखिए ये तो निजी यात्रा है उनका, उनका कोई पार्टी का यात्रा नहीं, निजी यात्रा है, सब स्वतंत्र है अपना कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन बिहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना भविष्य में रहेगी। नहीं, देखिए बिहार में 18-19 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में, चाहे सीमावर्ती इलाका पूर्णिया प्रमंडल का इलाका हो या बिहार का कोई भी इलाका हो, कहीं भी सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया गया। जो लोग सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास किए उस पर कार्रवाई हुई है, इसलिए इससे इत्मीनान रहिए और बिहार की जनता इत्मीनान रहे कि हमारी सरकार में, एनडीए सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई सौहार्द बिगड़ने वाला बिहार में नहीं है, न आगे बिगड़ेगा। कोशिश तो कोई कहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा पहले इस तरह का हुआ है तो इस पर कार्रवाई। देखिए वहाँ एनडीए, हम लोग एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ, सीट का तो अलग मैटर है, वो तो हमारे नेतृत्व तय करेंगे, बैठ के सहमति बनेगी, लेकिन एनडीए के साथ हम लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव। कितने सीटों पर जीतेंगे? ये तो अब नेतृत्व तय करेंगे। मैडम, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि अगर 24 घंटे के लिए कानून हमारे हाथ से दे दिया जाए तो उनको हम कहीं से भी, उन्हीं से पूछिए, उनका प्रश्न है तो उन्हीं का पूछिए, वो बोले हैं, उनका जवाब हम कैसे देंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, नेटवर्क को खत्म करेंगे, तो वो न देंगे जवाब। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव बाढ़ के समय तो विदेश यात्रा पर थे, अब कौन से कार्यकर्ता के साथ वो मिलना चाह रहे हैं ये समझ से बाहर है, क्योंकि उन्हीं के कार्यकर्ता बाढ़ में फंसे हुए थे और उनको बाढ़ से ग्रसित एरिया को छोड़कर वो विदेश घूमने में लगे हुए थे और अब जब बाढ़ की स्थिति सुधर गई है तो फिर वो जा रहे हैं जनता के बीच। किस बात को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा उनका, ये तो वही जाने, क्योंकि जब बाढ़ के परिस्थिति बिहार में बहुत ही भयावह थी उसमें
तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर थे। अब इनको जनता क्या सवाल करती है अब तो यही जाने, इस तरह के बयान देते नजर आए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उनका अपना निजी यात्रा है, कोई पार्टी का यात्रा नहीं, भाजपा के यात्रा नहीं है, उनका निजी यात्रा है। लेकिन बिहार में सौहार्द है, हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यदि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जाना चाह रहे हैं बिहार यात्रा पर तो उनका यह निजी यात्रा है, इस तरह का बयान देते नजर आए। तो क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।